अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू टीचर नाही दस्कर। मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर्स के डिजिटल एकेडमिक प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद। किंगडम उर्दू सीरीज में मोवर का जो सबक आज हम पढ़ेंगे वो है ब बे। आपने देखा यहाँ ब बे की आपको पूरी बे भी नजर आ रही है और इसके साथ छोटी इसकी शक्ल ब छोटी शक्ल भी नजर आ रही है। ब से कितने ही लफ्ज शुरू होते हैं, हमने कितने बहुत सारे लफ्ज सीखे थे। बा से बादल, बा से बदर, बा से बकरी, बा से और बहुत से लफ्ज जो अब आप मुझे बताएंगे कि यहाँ मैं एक छोटी सी कहानी पढ़ूंगी। बदर एक बच्चा है, बदर की एक छोटी सी कहानी है और उस कहानी में बहुत से लफ्ज वाह से शुरू हैं, आपने तलाश करने होंगे। ठीक है, बदर एक बहादुर बच्चा था। एक दिन जब वो उठा तो बादल आए हुए थे। उसने बस्ता लिया और स्कूल के लिए निकल गया। रास्ते में उसने बकरी देखी और बैंगन का पौधा देखा, उसे बहुत भला लगा। अब प्यारे बच्चों, बदर जब उठा तो उसने क्या किया? नहीं, पहले तो था कि बदर खुद क्या था? वह बहादुर बच्चा। जी हाँ, ये सारे लफ्ज अब आपने तलाश करने हैं। इसमें बहुत सारे लफ्ज हैं जो बा बे से शुरू होते हैं। फिर से इस कहानी को पढ़ें। इसके अंदर बा बदर है, बा बहादुर है, बा बच्चा है, बा बादल आए, बा बस्ता लिया उसने, रास्ते में क्या देखा था? बा बकरी। जी हाँ, और पौधा कौन सा था? बा बैंगन का, जो उसे बहुत ही बा से भला लगा। ये भी बा से ही बनता है भला। प्यारे बच्चों, आज हमने बा से शुरू होने वाली कहानी में बा से शुरू होने वाले ही बहुत सारे लफ्ज देखे। आपने इन तमाम लफ्जों को तलाश करना है। इनसे अलावा भी आपने बहुत से लफ्ज जो बे से शुरू होते होंगे वो आपने तलाश करने हैं कहीं और से, किसी और कहानी से। जो आपको बे से बा से शुरू होते हुए लफ्ज होंगे उन्हें आपने तलाश करना है ताकि आपको पता चले कि बा से शुरू होने वाले लफ्ज और कौन कौन से हैं। प्यारे बच्चों, हमारा आज का सबक यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह ताला अगले सबक के साथ, अगली एक्सरसाइज, अगली मश्क के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।